Good morning, dear children. I hope you all will be fine, your family will be fine, your friends will be fine. Let we continue chapter Man the Living Machine. Now open page number 71. Today's topic is the excretory system. Excretory system, you know, whatever we are eating, that food after digestion, many poisonous waste material is created. There is necessary to remove from our body by the system, by which system it remove from our body, that is known as excretory system. Excretory system. जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट होने के बाद में सारे के सारे जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी हमारे बॉडी को फ्रूटफुल नहीं करते, बल्कि इनके डाइजेशन के बाद कुछ हार्मफुल चीज़ें भी बनती हैं, कुछ पॉइजनस चीज़ें भी होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है. तो इनका हमारे बॉडी से समय समय पर बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक होता है. इन्हें बॉडी से रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है, जो सिस्टम होता है, इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. और जानते हो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारी स्किन. ये सब क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के वेस्ट पार्ट को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं और इस तरह से हम स्वस्थ रहते हैं. द वेस्ट इन द बॉडी हैज़ टू बी रिमूव्ड रेगुलरली फॉर द बॉडी टू वर्क स्मूथली. हमारा शरीर किसी भी काम को पूरे एक्टिवनेस के साथ करे, स्मूथली करे, बढ़िया से करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर का जो वेस्ट पार्ट है वो समय समय पर लगातार हमारे बॉडी से रिमूव होता रहे. और ये रिमूव होता है किस सिस्टम के द्वारा? एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा. दिस इज डन बाय द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके द्वारा होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू होता है. द किडनीज रिमूव यूरिन. हमारी जो किडनी होती है, आपको मालूम है हमारे बॉडी में कितने किडनी होते हैं? पूरे वन पेयर, यानी दो किडनियाँ होती हैं. और ये किडनी का शेप बिल्कुल बीन शेप का होता है. और इस किडनी में छोटी छोटी ट्यूबल्स होती हैं जिनको यूरिनी फेरस ट्यूबल्स कहते हैं. ये हमारे ब्लड में आए हुए वेस्ट मटेरियल को छानता है, फिल्टर करता है. किडनीज रिमूव यूरिन. हमारे बॉडी में जो रिमूव यूरिन पार्ट जो बनता है, पेशाब जो बनता है, इसको अलग करता है. द स्किन रिमूव स्वेट. और हमारे जो शरीर से, हमारे स्किन से जो पसीना निकलता है, स्वेट होता है, इसको रिमूव करने का काम हमारी त्वचा करती है, स्किन. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारे बॉडी के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है वो पसीना के द्वारा हमारे त्वचा से बाहर निकल सके. एंड द लंग्स थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और हमारा जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, ये क्या करता है? ये रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से रिमूव करता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो इसको भी ये बाहर निकालता है. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्ट. एक जीव अपने ही तरह जीव पैदा करने की कैपेसिटी रखता है, चाहे वो लेइंग एग्स के थ्रू हो या फिर बर्थ यंग वंस के थ्रू हो. लेकिन इस कैपेसिटी को ही कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज. और इस सिस्टम में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं उस जानवर की या उस प्लांट की अपने ही तरीके के बेबीज प्रोड्यूस करने के. बेबीज ऑफ दिस सिस्टम लाइफ ऑन अर्थ गोज ऑन. और इसी सिस्टम की वजह से जो लाइफ है वो पृथ्वी पर बनी रहती है. अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता तो कोई भी जीव अपने तरह जीव पैदा करने की कैपेसिटी नहीं रखता. तो क्या होता? उसकी जो प्रजाति है, उसकी जो फैमिली है, वो एक्सटिंक्ट हो जाती, विलुप्त हो जाती. लेकिन रिप्रोडक्शन के थ्रू ही
ये हमेशा जो है अर्थ पर बना रहता है। लेट अस स्टेट इट अगेन। इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया बेटा? द ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमन मनुष्य का जो शरीर है वो मशीन की तरह काम करता है, इसीलिए इसे हमेशा मूवेबल रखना चाहिए, काम में लगाने रहना चाहिए। नहीं तो मशीन क्या होता है, अगर उससे हम काम लेना बंद कर दें तो उसमें फ्रिक्शन आ जाता है, वो काम करना बंद कर देती है और उसमें रुकावट आने लगती है। तो हमें चाहिए कि हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो सुचारू रूप से सही तरीके से हेल्दी रूप से रहे, तो इसके लिए हमें अपने मशीन यानी हमने अपने बॉडी को वर्क कराना होगा। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ह्यूमन मनुष्य का शरीर या कोई भी लिविंग जो पार्ट्स होता है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। सेल्स विच इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, विच इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बहुत सारे सेल अगर ग्रुप में हैं, उनका शेप और साइज एक जैसा है, उनका काम एक जैसा है, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। और टिश्यूज के मिलने से बनता है ऑर्गन्स, अंग। ऑर्गन बहुत सारे मिल करके एक दूसरे के साथ एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, किसी काम को अंजाम देते हैं, इनको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल हमारा पेट ही पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। हमारा माउथ होता है, ऑसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, पेंक्रियाज होता है, ये सारे बॉडी पार्ट्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और इस ये ऑर्गन सिस्टम जिसमें होगा उसके होल बॉडी को कहते हैं ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। आवर सेंस ऑर्गन्स टेल्स अस अबाउट द वर्ल्ड। हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में ज्ञान कराता है कि ये संसार कैसा है, दिखने में कैसा है, कैसी आवाज़ है इसकी, कैसा टेस्ट है इसका, छूने में ये कैसा फील होता है, ठंडा है, गर्म है, क्या है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें कौन कराता है? हमारे सेंस ऑर्गन कराते हैं। सेंस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर विद द ब्रेन। और हमारा सेंस ऑर्गन किसके साथ काम करता है? हमारे दिमाग के साथ, जो हमारा मास्टर ब्लास्टर है, जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन इसके साथ ये वर्क करता है। द वेरियस सिस्टम हेल्प आवर बॉडी टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। हमारा जो शरीर है वो अलग अलग बहुत सारे काम करता है, वेरियस सिस्टम फॉलो करता है, जिससे हम एक ही साथ कई कामों को कर सकते हैं।